सिर्फ सच। शहर की डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करने वाली कंपनी ने बकाया पेमेंट नहीं मिलने पर काम बंद कर दिया है। बीते 3 दिनों से कंपनी ने शहर के किसी भी कोने से कचरा कलेक्ट नहीं किया। पिछले 6-7 सालों से शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर रही एसएल कंपनी के 7 करोड़ रुपए बकाया हैं। नगर निगम से पैसा नहीं मिलने के कारण कंपनी लेबर पेमेंट तक नहीं कर पा रही है, जिसके कारण कंपनी ने ऑफिस में ताला बंद कर शहर से अपना कामकाज समेट लिया है, जिसका असर यह हुआ कि शहर के गली कूचों में कचरे का ढेर लग गया है। घरों में कचरे से भरे डस्टबिन रखे हैं। नाराज लोग निगम प्रशासन की व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह नगर निगम की बजट बैठक में भी कचरा कलेक्टर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई थी। सदन में महापौर ने कहा था कि कंपनी काम नहीं कर रही है तो ना करे, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे 1 माह बीत रहा है, कचरा कलेक्शन व्यवस्था पटरी पर नहीं आ सकी है। कंपनी की काम समेटने और तालाबंदी करने को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने बताया कि ये सच है कि बकाया राशि नहीं मिलने पर कंपनी ने काम बंद कर दिया है। मालूम चला है कि कंपनी ने ताला बंद लगा दिया है और वो ये कह रहा है कि हमारा भुगतान नहीं हो रहा। इसके पूर्व भी 1 महीने पूर्व भी यही हुआ था, तब 1 सप्ताह तक नगर निगम ने शांति से बैठी रही, कोई बात नहीं करी ठेकेदार से। तो हमने सदन में विरोध किया था, महापौर जी का वक्तव्य था कि हमारी खुद की व्यवस्था है, पर खुद की व्यवस्था नगर निगम की कुछ भी नहीं है, ना उनके पास मैन पावर है वर्तमान में, ना उन्होंने मशीनरीज किराए पर ली है, ना परचेज की है। जो भी बात करते हैं भविष्य की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी जनता परेशान हो रही है। ठेकेदार बोल रहा हमें भुगतान नहीं होता, महापौर 1500 करोड़ की बात करके शहर को महानगर की बात कर रहे हैं, और जब आप डोर टू डोर की भुगतान नहीं कर पा रहे जिसके कारण शहर की जनता परेशान हो रही है, तो आप क्या महानगर बनाओगे। लगभग 1 माह हो चुका है डोर टू डोर और नगर के ठेकेदार और नगर निगम की नूरा किश्ती बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, और उसका भुगतान शहर की जनता को करना पड़ रहा है। आप देखिए 1 महीने से ऊपर नगर निगम के नगर सत्ता के हमारे महापौर, उनके MIC के लोग, जिम्मेदार अधिकारी ने किसी भी ठेकेदार से कभी बैठ के ये चर्चा नहीं करी है कि डोर टू डोर की व्यवस्था जब तक आप चला रहे हो, क्योंकि पुरानी भारतीय जनता पार्टी के पहले भी जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उन्होंने ऐसे नियम बना के गए उस ठेकेदार को लाभ पहुंचाने में कि नगर निगम चाह के भी उस ठेके को रद्द नहीं कर पा रही है। और अगर आप जब रद्द नहीं कर पा रहे हो और आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तो आपकी मजबूरी है उस ठेकेदार के साथ काम करने की, लेकिन आप हठधर्मिता है ये नगर निगम नगर सत्ता की। मैं तो कहूंगा व्यक्तिगत कोई ना कोई किसी की इच्छा है, किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ है, जिसके कारण ठेकेदार को बुला के बात नहीं की जा रही है। वो भुगतान की बार बार कर रहा है, या तो मुझे लग रहा है ठेकेदार और नगर सत्ता के लोग मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि दोबारा इसी ठेकेदार को काम दे दिया जाए और बड़ी लंबी बंदरवाट की जाए। ये ऐसी बूझ बार बार जो ठेकेदार हड़ताल कर रहा है, हमारा डोर टू डोर की व्यवस्था चौपट है, नगर निगम के महापौर कुछ नहीं बोल रहे, नगर सत्ता खामोश है पूरी, इनकी पूरी MIC खामोश है, अधिकारी दिखावा कर रहे हैं काम करने का, कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, और ठेकेदार ने कल पुनः ताला बंद कर दिया, और अब शायद सुनवाई में आ रहा है कि वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा। सिर्फ सच।